हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो है स्टर फ्राई वेजिटेबल स्पेगेटी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए है। और इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले स्पेगेटी। ये व्हीट स्पेगेटी मैंने ली हुई है और इसे मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है। और हल्का सा बॉईल करने के बाद, आप इसे स्ट्रेन करने के बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे ये जो है स्पेगेटी बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी आपस में। और मैंने किस तरीके से स्पेगेटी को बॉयल किया है ये मैं आगे आपको दिखाऊँगी। वेजिटेबल्स अब हमें क्या क्या चाहिए हम देखते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये ब्रोकली है, ये मैंने हाफ ब्रोकली लिया हुआ है। और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स है, ये मैंने 4 स्टेम लिया है और इस तरीके से लंबे में इस तरीके से मैंने कट करके रखा हुआ है। एक गाजर इस तरीके से लंबे में कटा हुआ, एक शिमला मिर्ची, एक कप पत्ता गोभी इस तरीके से लंबे में हमें काटना है, और 2 प्याज हम लेंगे, 2 बड़ा टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 10 कली हम लेंगे लहसुन की और इस तरीके से आप बारीक काट लीजिए लहसुन को। रेड चिली सॉस हमें लेना है, यहाँ मैंने लिया है 3 बड़ा टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 2 बड़ा टेबलस्पून सोया सॉस। यहाँ पे मैंने स्पेगेटी बॉईल करने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेगेटी मेरी बॉईल हो रही है। और इस पानी के अंदर मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है और कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे करके इसको इस तरीके से हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम स्पेगेटी को कुक करेंगे। सबसे पहले एक पैन गरम कर लीजिए और इसमें हम ले लेते हैं ऑलिव ऑयल। अब ये ऑयल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अदरक और ये लहसुन। हल्का सा हम 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का सा फ्राई हो चुका है और जो लहसुन हमने डाला है थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी प्याज। आप इस रेसिपी में प्याज और अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है स्पेगेटी नूडल्स में। हाई फ्लेम पे हमें सारी वेजीज को स्टर फ्राई करना है। जस्ट 1 मिनट बाद हम सारी वेजिटेबल्स इसमें अब मिला देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाजर, कैप्सिकम और कैबेज। ब्रोकली भी मैं इसके अंदर अभी ऐड कर दूंगी। हाई फ्लेम पे ही हमें सारी वेजीज को सौते होने देना है। अब मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में इसे। अब इन सब्जियों में मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ही नमक मैं अभी इसमें ऐड करूंगी क्योंकि हमें इसमें सॉस भी ऐड करना है। और हाई फ्लेम पे ही सौते होने दें। सब्जियाँ हमारी हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा कुक मत करिएगा सब्जियों को, वरना जो टेस्ट है सब्जियों का वो स्पेगेटी के साथ मिलके बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो अब हमारी सब्जियाँ बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुकी है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पेगेटी। ऐड कर दिया है, अब इसी के साथ ही भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी सोया सॉस और रेड चिली सॉस। अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को हाई फ्लेम पे आप मिक्स कर लीजिए। मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, आप बिल्कुल टेस्ट करके इसमें सॉल्ट ऐड कीजिए। और लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन जो हमने ग्रीन्स कट किए थे, और फिर से इस तरीके से आप मिक्स करके अच्छे से स्टर फ्राई वेजिटेबल स्पेगेटी बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे
और हम सर्व करेंगे इसे।